अब हम ये वाला टॉपिक जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एडिशनल सब और या सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमने अब तक का रैशनल नंबर्स वगैरह सब सीख लिया था, ठीक है। हमें एलसीएम भी हमने सीख लिया था, अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आना था। तो मैं इसको समझा रहा हूँ। पहला पार्ट ये है हमारा 3/5 - 2/12। तो हमें इसमें क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये अनलाइक है, तो हमें इसे पहले लाइक में बनाना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो जो नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो टर्म है 5 और 12 है, इनका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 12, जो कि आएगा हमारा 60। एक बार मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ। 5 और 12 का अगर आप देखेंगे तो 5, ये 5 से जाएगा, ये 12 से जाएगा, तो ये आ गया 5 × 12, एलसीएम हमारा ये आ रहा है। तो अब एक चीज देखते हैं। हाँ, अब मैं इसको डायरेक्ट 60 नहीं लिखता, मैं इसको सीधा 5 × 12 ही लिखता हूँ। रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 12 इसे क्यों लिख रहा हूँ, 5 × 12 क्यों लिख रहा हूँ, 60 क्यों नहीं लिख रहा हूँ। अब एलसीएम लेते हैं, एक सेकेंड सर, इसको कहाँ करूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ, इसको यहाँ करते हैं। चलो, क्या कहते हैं हमारा जो पार्ट है, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, 3/7 था ना, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन, एक सेकेंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन कहाँ आ गया। 3/5 - 2/12। हाँ, 3/5 - 2/12। अब एक काम करो, एलसीएम ले लिया हमने 5 × 12 हमारा, मैंने कहा ना 60 को हम 5 × 12 लिख रहे हैं, मैं रीजन भी बता दूंगा। एक बात बताओ, ये जो डिनोमिनेटर में है जो 5 है, अब हमें इसका क्या करना होगा, 5 को 12 × 5 से डिवाइड करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 12 बचा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, -2। अब 12 है तो अब हम करेंगे 12 × 5 / 12 करेंगे, है ना। जो नीचे वाली टर्म है, ऑलवेज याद रखना, जो नीचे वाली टर्म है हमें उसी को देखना है एलसीएम के लिए। तो 12 को अब 5 × 12 से डिवाइड करते, 12 से 12 कट गया, 5 आ गया है, तो हमारा ये आ गया 2 × 5 है। तो 3 × 12 क्या आ गया हमारा, एक सेकेंड, ये 3 × 12 हमारा हो गया 36, 2 × 5 हो गया 10। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 36 - 10 है अपॉन में 5 × 12। अब मैं 5 × 12 को लिख सकता हूँ, अब मैं 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम बन गया। तो 36 - 10 दैट इज इक्वल्स टू 26/60। और अगर मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो कि सिखाया गया था, तो ये आ गया 13/30। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ये है हमारा 3/7। अब हमें इसमें 2/9, तो अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लो तो 7 और 9 का एलसीएम, 7 और 9 का एलसीएम, चलो क्या होगा देखते हैं। 7 और 9 दोनों नहीं कट रहे, तो उससे पहले 7 लेते हैं, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 9 1 1, तो 7 × 9 इसका एलसीएम आ गया, है ना। तो इसका एलसीएम आ गया 7 × 9। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, 7 × 9, है ना। अब हमें देखना है नीचे, ये डिनोमिनेटर को अब हमें सेम बनाना। तो 7 में और 7 × 9, एक काम करो 7 × 9 को 7 से डिवाइड करो, 7 से 7 कट गया, 9 आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, समझे, प्लस 2 से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, क्या कहते हैं, 7 × 9 को अब हम करेंगे 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारा 7। भाई मुझे इन दोनों टर्म्स के लिए देखना, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना, 7 और 9 से ही देखना मुझे। 7 को एक बार मैंने 7 × 9 से डिवाइड किया, और एक बार 9 को मैंने 7 × 9 से डिवाइड किया, तो इससे डिवाइड करके हमारा इंटू आ रहा है, 2 × 9 को 7 × 9 से डिवाइड किया, 7 आ गया। तो 3 × 9 दैट इज हमारा 27, प्लस 2 × 7 14। तो मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर, क्या कहते हैं, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, 27 + 14 / LCM क्या था हमारा,
सेवन इंटू नाइन। अब हम 7 × 9 को, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो अब हम इसको लिख सकते हैं 7 × 9 में इट इज 63, ठीक है। और 27 + 14 कितना होगा हमारा, 11 या 41। तो अब ये आप इसका देख लेना, यही फाइनल आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 5/6। अब इसमें माइनस करना है, हमने अब तक के प्लस के रैशनल नंबर्स में प्लस के वाले सवाल देख लिए, अब माइनस वाला देख लेते हैं भाई। माइनस वाला भी देख लिया था हमने, कौन सा था वो सवाल, पीछे वाला माइनस वाला ही था एक, वो हमने कर लिया। ये वाला करना है अब इसमें क्या करना है, ये सवाल अच्छी क्लास में डाउट में भी था जो थोड़ा जल्दबाजी में हुआ, पर हम इसको अब आराम से करते हैं। पहले क्या करना है हमें, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका हमारा क्या आ रहा है, 19 × 6। ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम ले लो, चलो यार 19 और 6, तो ये एक 19 आ गया, एक यहाँ 6 आ गया, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, 19 × 6 आ गया। तो अब यहाँ पे 19 × 6, यहाँ पे देखो 6 को 19 × 6 को से डिवाइड करो, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, है ना, समझ में आया, आया ही होगा। चलो तो यहाँ पे मैंने इसको 6 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 19। तो यहाँ पे क्या था टर्म हमारी, क्या थी, एक सेकंड, यहाँ हमारी 5 थी ना, तो 5 × 19, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2, 19 को डिवाइड करो 6 × 19 से करो तो बचेगा 6 बचेगा, माइनस 2 × क्या बचेगा हमारा 6। तो अब इसका ले लो आंसर 19 × 5, विच इज, मैं बताता हूँ अभी, 19 × 5, चलो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ये आ गया 45, ये आ गया 95, माइनस क्या आएगा हमारा 2 × 6 विच इज 12, अपॉन में क्या बन रहा है 19 × 6 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया ना तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19 × 6, तो ये आ जाएगा 69 का क्या आएगा हमारा 54, यहाँ 5 कैरी, तो 6 × 6 6 × 1 6 + 5 114, एक सेकंड 114, तो 95 − 12 क्या आएगा, 95 − 12 मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, माइनस करो तो ये आ गया 13। मैं थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको अलग से सॉल्व करके देखना है कि क्या ये सही है या नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो भाई मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। 89 − 1 8, ये 5 − 83 = 114, ये हमारा क्या है आंसर। अब इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकता हूँ, तो मेरे को ये, अब मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखा रखा है, तो ये 83/114 ट्राई करके देखना किससे कट रहा है, एक बार पहले ट्रू से ट्राई करके देखना डिविजिबिलिटी टेस्ट, फिर एक बार 3 से करके देखना, जिससे भी हो जाए वो हमारा हमारा काट देना, उससे हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, और इसमें क्या है हमारा इंटीजर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब हमारा क्या होता था, अगर ऊपर नीचे हम, अगर यहाँ पे हमें सॉल्व करना है ये सवाल, अब माइनस हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए दे रखा है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये आ गया 7/13 प्लस ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है सेम है, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/13 + 2/5, ठीक है। तो अब इसमें हमें एलसीएम लेना, नॉर्मल एलसीएम 7/13 + क्या था 2/5, आई होप समझ में आ रहा होगा, 2/5, ठीक है। अब एलसीएम लो, इसका क्या आएगा 13 × 5। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अब तुम्हें ये सवाल खुद करना है, पॉज करो फिर इसको सॉल्व करो। 13 × 5 एलसीएम आ गया, 13 से मैंने इसको डिवाइड किया 13 × 5 से, तो 5 बचा, 7 × 5, ठीक है, प्लस 5 को मैंने 13 × 5 से डिवाइड किया तो 13 × 2, तो ये आ गया हमारा, एक सेकेंड, 7 × 5 हमारा आ गया 35, प्लस 13 × 2 क्या आता है 26, डिवाइडेड बाय 13 × 5, 13 × 5 क्या होता है 45, तो ये आ गया 11, ये आ गया 461/45, ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स ना कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।